सड़कें वो पहाड़ों की जीवन रेखा है, और हमारी सड़कें जब हम पूरे गांवों तक, हर पंचायत तक हम पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा होगा। लोग अपनी जो उपज है मार्केट तक पहुंचा सकते हैं ज़्यादा कम खर्च में, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल हो गया है। आने वाले समय में लगातार लेबर की तंगी हो रही है, और इस कारण जो लेबर मिलती भी है तो बहुत लागत आती है, तो इन सड़कों से बहुत ज़्यादा फायदा हमारे क्षेत्रवासियों को होने वाला है। विधायक जी, आज आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विशेष तौर पर कुमारसेन में 3 महत्वपूर्ण सड़कों का भूमि पूजन किया है, तो इनके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि कौन कौन से सड़कें बनने वाली है और इसके लिए कितना बजट जो है आवंटित हुआ है। देखिए, आज हमने जो है 3 सड़कों का भूमि पूजन किया, जिसमें सरकार्टी टू करल्टी और ये बस्ती नौतोड़ और जो है वादीधार टू बलगढ़, और लगभग इसमें अनुमानित जो है 2 करोड़ की राशि जो है व्यय होगी। और ये बड़े महत्वपूर्ण रोड है, हमारे जो कुछ क्षेत्र अभी छूटे हैं तो वहाँ हमारे ये सड़कें पहुँचेगी, और जो स्थानीय लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्थानीय लोगों, जहाँ पे बागवान है, आज आपने इन परियोजनाओं का जो भूमि पूजन किया है, इसके अतिरिक्त क्षेत्र के विकास के लिए और किन परियोजनाओं पे काम किया जा रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि अभी 2 वर्ष का समय हुआ हमारी सरकार बने, और 1 वर्ष तो हमारा पूरा आपदा में निकल गया, और हमें जो पुनर्निर्माण था वो भी करना था, उसमें भी हमने लगभग 1 वर्ष का समय और हमारी बहुत बड़ी राशि खर्च हुई। अब जो 1 वर्ष का समय हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे क्षेत्र में काम हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके अंतर्गत बहुत सारी सड़कें हैं, और आने वाले समय में और भी आने वाली है। तो आप देखेंगे कि एक विकास की एक नई गाथा हम लिखने जा रहे हैं। हमारा, जहाँ मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, अभी हमने जो यहाँ महाविद्यालय है उसको भी हमने नए बिल्डिंग जो बनी है उसका लोकार्पण किया है। उसी तरह हमारी जो गौशाला है वो भी लगभग बनकर तैयार है, और बहुत सारे काम हुए हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वो भी भवन बन गया है, उसको भी हम जल्दी लोकार्पण करने वाले हैं। अभी कुमारसेन में जो बस स्टैंड है उसका भी जो है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, मैं भी साथ था, हमने लोकार्पण किया। तो बहुत सारे जो हमारे विकास के काम है, हमारी पेयजल योजना है उस पर भी लगातार काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर छोटे से बड़े काम को मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रहा हूँ।